स्नान पर्व है, तो किस तरह स्नान पर्व चल रहा है पौष पूर्णिमा का, और अब तक कितने लोग स्नान किया, जो इंतजाम किए गए थे वो किस तरह से, आपने निरीक्षण भी किया है, कुछ इसमें कमियां भी हैं, उसको किस तरह दुरुस्त करने के लिए? पौष पूर्णिमा के इस स्नान के अवसर पर लाखों लोग आज स्नान किए हैं। एग्जैक्ट भीड़ की संख्या अभी आकलन की जा रही है, परंतु काफ़ी संख्या में मध्य रात्रि से ही लोग पधारना शुरू हुए हैं। जनपद के और प्रदेश के और देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ लोग आ रहे हैं। कल्पवासी भी अपने अपने जगह पर आ चुके हैं काफ़ी संख्या में। आज बहुत ही सुचारू रूप से अब तक स्नान का कार्यक्रम चल रहा है। विशेष रूप से जो जनता को सुविधाएं हर साल मिल रही थी उसमें काफ़ी वृद्धि की गई है। आप देख सकते हैं कि 6 गुना से ज़्यादा शौचालय पिछले बार से अभी बनाए जा चुके हैं। इसमें आप इस बार पहली बार ओपन डिफेकेशन कहीं भी देखने को नहीं मिला है, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस मुहिम को आगे भी ले जाया जाएगा। पीने की पानी हो, अन्य जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जनता के लिए, डायरेक्शंस लगाना और जनता को मदद करना, उन सब में काफ़ी हद तक प्रशासन को और समस्त विभागों को सफलता मिली है। परंतु हर स्नान के बाद कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट्स ज़रूर रहता है कि अधिकारियों को कहा गया है कि आज जो जो और सुधार हम कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए, आने वाले स्नानों के लिए, उसको भी ज़रूर कीजिए। संगम के काफ़ी दूर टॉयलेट बनाएंगे जिसकी वजह से जो है काफ़ी दिक्कत से संगम में सर्कुलेटिंग एरिया होती है। संगम के आसपास आप अवगति है कि काफ़ी जगह सर्कुलेटिंग एरिया इस बार हमें अच्छे से मिली है, और संगम आने और जाने के रास्ते में पर्याप्त संख्या में टॉयलेट्स बनाई गई है। अतः इसलिए जो भी व्यक्ति संगम पहुंचता है तो उसको मालूम है कि टॉयलेट्स कहां कहां बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि संगम में काफ़ी अच्छे से सफाई जनता के सहयोग से इस बार मेंटेन की गई है, और आने जाने के रास्ते में जैसे मैंने कहा बहुत ही पर्याप्त संख्या में टॉयलेट्स बनाई गई है और उसका उपयोग भी किया जा रहा है। गंगा जल को लेकर कुछ दंडी स्वामियों ने जो है वो पुल नंबर 4 के पास जो बहिष्कार भी किया है स्नान का, उनका कहना शुद्ध जल नहीं पहुँचा है। गंगा जल को लेकर जो कुछ संतों ने अपने सुझाव दिए है उसको सिंचाई विभाग और संबंधित शासन के विभाग के अधिकारियों से भी विचार विमर्श हुई है, और स्वच्छ पानी दिलाने के लिए और संगम में उपलब्ध कराने के लिए शासन और प्रशासन कटिबद्ध है। इसके लिए नरोरा टहरी से निरंतर पानी, शुद्ध पानी छोड़ा भी जा रहा है, और एट द सेम टाइम गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई भी यहाँ 26 नालों की टैपिंग के कार्य लगातार कर रही है। कोशिश जारी है कि जो भी पानी की गुणवत्ता है उसमें लगातार बेहतरी हो, और हम अनुरोध सबसे करेंगे कि गंगा जी के जो पूजा और इस माघ मेले के दौरान प्रशासन और शासन प्रशासन की पूर्ण कोशिश रहेगी कि शुद्ध से शुद्ध पानी जनता को मिल सके।